वेलकम टू एएचआर यंग गाइस। इस वीडियो में हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 का साइंस 2 का जो क्वेश्चन बैंक दिया गया है बिफोर द बोर्ड एग्जाम। सो मार्च 2021 बोर्ड एग्जाम से पहले बोर्ड ने ये साइंस 2 का क्वेश्चन बैंक दिया है। इसमें सारे 10 चैप्टर्स के क्वेश्चन है। सो हियर यू कैन सी इट स्टार्ट्स विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज MCQs, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज क्वेश्चन 1A। तो ये 1-1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं। ये चैप्टर वाइज दिए हैं तो हम इसे चैप्टर वाइज ही समझेंगे। ये देखिए, पहले चैप्टर 1 से 3 सवाल है। फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए टू एमआरएनए इज कॉल्ड डैश प्रोसेस। चार ऑप्शंस है। अगर आपने चैप्टर सही से पढ़ा और समझा है तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर है ट्रांसक्रिप्शन। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस के स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, उनमें से फर्स्ट स्टेप है जब डीएनए जो न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस से एमआरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है, तो स्क्रिप्ट बनती है। तो डीएनए टू एमआरएनए जब ये स्क्रिप्ट बनती है तो वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये आंसर याद रखना है हमें। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन भी है, मतलब टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज का जो फिल इन द ब्लैंक है, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक, थर्ड फिल इन द ब्लैंक आई सपोज इज दिस। ये देखिए जो आपके चैप्टर 1 की एक्सरसाइज है पेज 10 पे, उसमें यहाँ देखिए ये है रहा। तो ये थर्ड क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू एमआरएनए इज कॉल्ड डैश प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इसका आंसर है। तो वही हमारा ये फर्स्ट एमसीक्यू है। सेकंड है, सिमिलैरिटीज इन इनिशियल स्टेजेस इंडिकेट डैश एविडेंस। तो 6 एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन हमारे फर्स्ट चैप्टर में, और सिमिलैरिटीज इन इनिशियल स्टेजेस मतलब हमारी बुक में यहाँ पे ये देखिए, ये जो एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस है जहाँ पे इनिशियल स्टेजेस में सिमिलैरिटी है, ये देखिए यहीं पे है ना, यहाँ लिखा भी है। देखिए, सिमिलैरिटीज इन इनिशियल स्टेजेस इंडिकेट कॉमन एंसेस्टर्स। तो ये एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस है, जब इनिशियल स्टेज में सारे एम्ब्रायोस सिमिलर दिखते हैं। ये देखिए, ये जो सारे एनिमल्स के एम्ब्रायोस है ये फर्स्ट स्टेज में सिमिलर दिखते हैं, बीट ऑफ फिश, सैलेमेंडर और मैन। तो यहाँ आंसर है एम्ब्रायोलॉजिकल। थर्ड है, डैश इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब जो हमारी बॉडी में जिसकी जरूरत नहीं है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन भी हमारी बुक में है यहाँ पे, ये देखिए। तो दीज आर द वेस्टिजियल ऑर्गन्स, फोटोज भी दी गई हमारी बुक में, देखिए। ईयर मसल्स, ये विजडम टीथ है, यहाँ पे मेंशन करना रह गया है, और ये टेल बोन है एंड इवन द अपेंडिक्स। तो यहाँ पे वही हमारे ऑप्शंस क्या है, विजडम टीथ, ईयर मसल, बॉडी हेयर, ऑल द अबव। बॉडी हेयर भी मेंशन है हमारी बुक में, देखिए बॉडी हेयर। सो यहाँ पे आंसर आएगा ऑल द अबव। तो ये 3 क्वेश्चंस एमसीक्यूज हमारे चैप्टर 1 से, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। चैप्टर 2 से लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म 1 से, अभी क्वेश्चन 4 से एमसीक्यूज है। फर्स्ट है, प्रोटीन लोकेटेड इन बोन्स इज डैश। तो यहाँ पे 4 प्रोटीन्स के नाम दिए हमारे चैप्टर 2 से ही है। ये देखिए, जब हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होता है यहाँ पे, दिस इज हियर एमिनो एसिड्स टाइप प्रोटीन्स एंड डिफरेंट एमिनो एसिड्स। तो बोन्स के लिए ओएससीन है। सो दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, तो इससे ये क्वेश्चन दिया गया है। तो बोन्स ओएससीन आएगा। देन नेक्स्ट 5th क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ NADH2। तो 4 विटामिन्स के नाम दिए है और ये भी हमारी टेक्स्ट से ही है। ये देखिए, विटामिन्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ FADH2 एंड NADH2। FADH2 के लिए विटामिन B2 चाहिए और NADH2 के लिए विटामिन B3, है ना। तो हमारा F पहले आता है, N बाद में आता है ना, और B2 पहले आता है, 3 बाद में आता है। तो F के साथ 2 है और NADH2 के साथ 3 है, ये याद रखना है हमें। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो था ये देखिए, तो NADH2 के लिए ये B3 आएगा। Then 6th question is, डैश सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस। तो सेल डिवीजन के 2 टाइप्स होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस मतलब जनरल सेल डिवीजन, तो जो हमारी पूरी बॉडी में हर एक पार्ट, जो हमें कोई जख्म हो जाता है तो भी जो सेल डिवीजन होके नए सेल्स बनते हैं, तो वो माइटोसिस सेल डिवीजन है ना। तो मियोसिस जो है सेकेंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन, वो सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है, मतलब रिप्रोडक्टिव गैमिट जो है हमारे, वो उससे सेल, वो सेल्स उससे डिवाइड होते हैं। मतलब जैसे मेल्स में स्पर्म्स होते हैं, फीमेल्स में एग, तो जो स्पर्म बनते हैं और एग बनते हैं वो मियोसिस से बनते हैं, बाकी सारे जो सेल्स है हमारी बॉडी के वो माइटोसिस से ही डिवाइड होते हैं। तो सोमैटिक सेल्स मतलब एडल्ट सेल्स, जो हमारी सारी बॉडी में हर एक जगह पे सेल्स है वो सोमैटिक सेल्स है। और स्टेम सेल्स मतलब अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है ना, जो हमारी जो न्यूबॉर्न बेबी में होते हैं और हमारे भी बोन मैरो, रेड बोन मैरो में वगैरह होते हैं, तो ये स्टेम सेल्स होते हैं। तो ये दोनों सेल्स बाकी सारे सेल्स है, तो ये माइटोसिस से डिवाइड होते हैं, सिर्फ गैमेट्स जो है वो मियोसिस से डिवाइड होते हैं। तो ये आंसर आएगा बोथ AMC।
देन सेवेंथ इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कैरियोकिनेसिस इज, तो सेल डिविजन के दो स्टेप्स होते हैं, कैरियोकिनेसिस एंड साइटोकिनेसिस। तो यहाँ कैरियोकिनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज और एनाफेज ऐसा होता ही है। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो प्रोफेज है। एंड एथ क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। अभी माइटोसिस में ही, मतलब माइटोसिस सेल डिविजन के दो मेन पार्ट है। पहले कैरियोकिनेसिस होगा, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर साइटोकिनेसिस मतलब बाकी का पूरा साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। और कैरियोकिनेसिस के अंदर फिर चार स्टेप्स है। तो प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, एनाफेज कैरियोकिनेसिस के पार्ट है, और कैरियोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस दोनों माइटोसिस है। तो माइटोसिस के सेल डिविजन के टाइप्स में ये सब आएगा ही, सिर्फ डिप्लैटिन नहीं आएगा। प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, एनाफेज चारों भी विच आर पार्ट ऑफ कैरियोकिनेसिस एंड साइटोकिनेसिस सब आएगा। तो यहाँ पे नॉट पार्ट ऑफ माइटोसिस इज डिप्लैटिन। और ये सारे फेजेस इवन मियोसिस में भी होते हैं, बल्कि मियोसिस में ज्यादा स्टेप्स होते हैं। प्रोफेज वन, मेटाफेज वन ऐसे करके होता है। फिर नाइन्थ क्वेश्चन इज वी गेट डैश एनर्जी फ्रॉम लिपिड्स। लिपिड्स मतलब फैट, फैट से ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम जो है ये हमारी एनर्जी है फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। बट लिपिड्स मतलब फैट से हमें 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम मिलती है। कैलोरीज नहीं लेना, मैं किलो कैलोरीज पर ग्राम। एंड 10th क्वेश्चन इज ह्यूमंस देयर आर डैश पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। सो ये तो ऑब्वियस क्वेश्चन है, ये तो जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस आपको होना ही चाहिए कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 23 जोड़ियां होती है, 23rd पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है, जो XX या XY होते हैं। मेल्स में इट इज XY, फीमेल्स में XX। बाकी सारे 22 पेयर्स जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हमें जो जोड़ी है, मतलब हमारी बॉडी में जोड़ी कैसे है, एक मम्मी से मिलती है, एक डैडी से मिलती है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम हमारी पेयर्स में होते हैं और वो हाफ हाफ ही होते हैं। हाफ क्यों होते हैं, क्योंकि मियोसिस होके हमारे जो गैमेट्स है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उनमें हाफ हाफ क्रोमोसोम्स ही होते हैं। वो दोनों मिलते हैं तभी तो बच्चा बनता है। तो वो बच्चे में हाफ फादर का और हाफ मदर का क्रोमोसोम्स आते हैं और ये जोड़ियां बनती है। तो जोड़ियां 23, जैसे मोजो की जोड़ियां होती है वैसे 23 पेयर्स है। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम से पूछा तो 46 हो गया। 23 जोड़ियां मतलब डबल करना है, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज 46, बट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पूछा तो इट विल बी 23। तो ये 10 हो गए हमारे चैप्टर 2 के एमसीक्यूज। फिर आते हैं चैप्टर 3 पे। 11th क्वेश्चन है, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो इसका आंसर आएगा बाइनरी फिजन, क्योंकि ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। चारों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बट बाइनरी फिजन इज इन अमीबा। हमने देखा है चैप्टर में, ये देखिए चैप्टर 3 में, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये है बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग। बडिंग दोनों में होता है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर में भी। यूनिसेल्युलर में यहाँ यीस्ट का एग्जाम्पल दिया है, और मल्टीसेल्युलर मतलब हायर लेवल ऑर्गेनिज्म जो एक सेल नहीं ज्यादा सेल्स के बने हैं, उनके लिए भी बडिंग है। एग्जाम्पल है हाइड्रा, है ना। तो फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और स्पोर फॉर्मेशन, ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। एसेक्सुअली है बट ये मल्टीसेल्युलर, और यूनिसेल्युलर के लिए तीन ही है, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन एंड बडिंग। तो यहाँ पे कौन सा मल्टीसेल्युलर के लिए नहीं है, तो ये तीन के लिए नहीं है, बाइनरी फ्यूजन नहीं है, ये सिर्फ यूनिसेल्युलर में होता है। 12th है फाइंड द ऑड वन आउट। तो ये एक्चुअली फीमेल, इट्स एक्चुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ऑफ अ प्लांट। तो फ्लावर के अंदर जो है मेल रिप्रोडक्टिव वोल होता है और फीमेल वोल। तो मेल वोल एंड फीमेल वोल में जो तीन पार्ट्स होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ये फीमेल में होता है। ओवरी हमें पता है, ओवरी इज देयर इन फीमेल्स इन ह्यूमंस ऑल्सो। तो ओवरी नीचे होती है, उसके ऊपर जो स्टिक होती है उसे स्टाइल कहते हैं, और उसके ऊपर जो है टॉप लेयर होता है, स्टिकी पार्ट, जहाँ पे पोलन ग्रेन स्टिक होते हैं, वो स्टिग्मा होता है, है ना। ये भी हमारी टेक्स्ट से ही है, ये देखिए, अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए, ये फ्लावर का फोटो दिया है। तो दिस इज ओवरी, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज स्टिग्मा, है ना। स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ये गाइनोशियम के पार्ट है। गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इन प्लांट्स। और ये जो बाकी है जो है, ये एंथर और फिलामेंट, ये एंथर ऊपर है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स आते हैं, और ये फिलामेंट, ये स्टिक है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो हमारे जो चार ऑप्शंस दिए हैं उनमें से बोला है, ये देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, फाइंड द ऑड वन आउट।
चारों में से ऑड वन आउट किया, स्टाइल स्टिग्मा ओवरी तीनों गाइनोशियम के पार्ट है और एंथर और फिलामेंट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ऑफकोर्स द ऑड वन आउट इज एंथर। 13th क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ बर्थ देर आर डैश ओसाइट्स इन द ओवरी ऑफ अ फीमेल फीटस, तो फीमेल फीटस में कितने ओसाइट्स होते हैं? ये भी हमारे टेक्स्ट से लिया गया है, 2 to 4 million ओसाइट्स होते हैं। देखिए तो ये प्लांट का रिप्रोडक्शन के बाद यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स है, तो यहाँ क्लियरली मेंशन है। ये देखिए जब हमारा यहाँ पे देखिए ये देखिए आउट ऑफ 2 to 4 million ओवा जो प्रेजेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ होंगे, तो ये देखिए देयर आर 2 to 4 million इमैच्योर ओसाइट्स इन द ओवरी ऑफ फीमेल फीटस, तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये आंसर आएगा 2 to 4 million। फिर 14th क्वेश्चन है, डैश मॉडर्न रेमेडियल टेक्निक इज यूज्ड इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन द यूटरस, मतलब यूटरस में जहाँ पे बच्चा कैरी करती है, जब मदर प्रेग्नेंट होती है लेडी तो वो बच्चे को कैरी करती है तो यूटरस में होता है, तो यूटरस में वो एम्ब्रियो अटैच होना चाहिए, इम्प्लांट होना चाहिए, तो अगर उसमें प्रॉब्लम आ रहा है मतलब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जायगोट बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, लेकिन उसके इम्प्लांटेशन में यूटरस में उसको इम्प्लांट होने में प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब कैरी नहीं हो पाएगा 9 महीने तक, तो उसके लिए कौन सा मॉडर्न रेमेडी या क्योर यूज करते, टेक्निक क्या यूज करते हैं, तो सरोगेसी। ये सरोगेसी में होता है कि बच्चा कोई और कैरी कर रहा है, हायरिंग अ वूम्ब ऐसा कहा जाता है इसे, है ना, या डोनेटिंग अ वूम्ब, तो वो थोड़े टाइम के लिए मतलब कोई लेडी अपने वो बच्चा कैरी करती है, तो वो आर्टिफिशियली उधर वो इम्प्लांट किया जाता है, तो पेरेंट्स वही होते हैं, सिर्फ सरोगेसी मदर जो होती है वो सिर्फ कैरी करती है बच्चे को, तो दैट इज सरोगेसी। तो यहाँ ये आंसर आएगा सरोगेसी, ये भी क्लियरली हमारी बुक में मेंशनड है, ये देखिए जो मॉडर्न टेक्निक्स लिखे हैं ना, तो ये स्पर्म बैंक वगैरह यहाँ सरोगेसी में क्लियरली लिखा है, देखिए प्रॉब्लम्स इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन यूटरस, तो इस टाइम पे सरोगेसी यूज होता है। फिर 15th क्वेश्चन है, इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो अकर्स इन, अभी ये 14th क्वेश्चन हमने किया, यहाँ पे क्वेश्चन में इसका आंसर है, तो अगर ये क्वेश्चन आया तो इजी है, इट हैपेंस इन द यूटरस, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है तो यहाँ पे यूटरस होता है, ये देखते हैं दिस इज द यूटरस द मेन पार्ट, ओवरीज यहाँ, एग्स यहाँ पे होती है, इसे फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कहते हैं, और ये वजाइना, तो ये जो है यूटरस में बेबी कैरी होता है, तो एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द यूटरस। फिर 15th के बाद नेक्स्ट है 16th क्वेश्चन, इन ह्यूमंस स्पर्म प्रोडक्शन अकर्स इन द डैश ऑर्गन, तो ऑर्गन कौन सा है जहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन होता है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में टेस्टिस होते, ये दो टेस्टिस है, ये देखिए यहाँ पे एग्स प्रोड्यूस होते, यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शंस में से, देखिए टेस्टिस, स्क्रोटम इज जस्ट द कवरिंग, स्क्रोटम इज जस्ट द कवरिंग व्हिच कवर्स द टेस्टिस, है तो स्क्रोटम आंसर नहीं है, प्रोस्टेट ग्लैंड ओवरीज नहीं, ओवरीज तो फीमेल्स में होती है। 17th है, प्रेग्नेंट मदर सप्लाइज नरिशमेंट टू अ फीटस थ्रू डैश, तो यूटरस में तो बच्चा है, ओवरी मतलब के हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा, ओवरी मतलब यहाँ पे जा एग्स बनते, और ओविडक्ट मतलब ये ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, ये जो ट्यूब है, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन है हमारा कि नरिशमेंट कैसे मिलता है, बच्चे को खाना वगैरह कैसे मिलता है, तो प्लेसेंटा करके ऑर्गन होता है, प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को फूड प्रोवाइड होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, तो प्लेसेंटा इज द करेक्ट आंसर है, ये भी हमारे टेक्स्ट में मेंशन है, आप ढूंढोगे तो आपको सब आंसर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है जो हमारी बुक में मेंशन नहीं है, देखिए an organ called placenta is formed to supply food material during the growth in uterus, तो ये placenta answer है। फिर 18th question है, dash twins are formed from a single embryo, तो single embryo से कैसे twins बनते हैं, मतलब एक ही embryo है और twins बने, मतलब कि एक बार ही fertilization हुआ और दोनों फिर बाद में वो एक जो एग और स्पर्म मिलके एक एम्ब्रियो बना, उसका एम्ब्रियो के दो टुकड़े हो गए, तो दोनों एक्चुअली आइडेंटिकल हो गए, एग्जैक्टली सेम हो गए, क्योंकि मेल फीमेल जो क्रोमोसोम्स इनहेरिट हो रहे वो दोनों सेम ही है, सेम पूरा इनहेरिट हुआ और फिर वो एग के दो हिस्से हुए, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं उनको। डाइजाइगोटिक ट्विंस कब होते हैं, ये देखिए हमारी बुक में मेंशनड है, जब दो एग्स, कभी कभी ऐसे होता है कि फीमेल में दो एग्स आ जाते हैं,
क्योंकि स्पर्म्स तो हमेशा इतने सारे स्पर्म्स आते हैं, लेकिन एग को जो एक स्पर्म फर्टिलाइज करता है वो फिर बच्चा बनता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दो एग्स आ जाते हैं, मतलब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में वहां पे दो एग्स साथ में रिलीज हो जाते हैं। तो जब दो एग्स रिलीज होता है, दोनों को फर्टिलाइज किया जाता है, स्पर्म फर्टिलाइज करते, तो फिर दो दो बनेंगे, दो पूरे एम्ब्रियोज बनेंगे सेपरेटली, और उनको डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। टू एम्ब्रियोज डेवलप साइमल्टेनियसली, तो डाइजाइगोटिक। और मोनोजाइगोटिक मतलब एक ही एम्ब्रियो था लेकिन वो स्प्लिट हो गया बाद में, डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, तो वो आइडेंटिकल होते हैं। और डाइजाइगोटिक ट्विंस आइडेंटिकल नहीं होते, दो अलग अलग है तो एक लड़का एक लड़की भी हो सकते हैं। ऐसा जब जब भी एक लड़का एक लड़की ट्विन है, मतलब वो मोनोजाइगोटिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो गए भी नहीं, वो डाइजाइगोटिक ट्विंस बोले जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सवाल है, डैश ट्विंस आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल एम्ब्रियो, तो आंसर आएगा मोनोजाइगोटिक। फिर 19th क्वेश्चन है, पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म बाय डैश डिविजन इन लोक्यूल्स ऑफ एंथर। तो एंथर और फिलामेंट हमने ऑलरेडी देखा, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये एंड्रोशियम, और एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन्स आते हैं। तो पोलन ग्रेन्स बनते कैसे? अब ये गैमिट है, ये प्लांट्स का गैमिट है, मेल गैमिट है। तो मेल गैमिट जब भी बनेंगे तो मियोसिस से ही बनेंगे, ये याद रखना है। गैमिट्स फॉर्मेशन के लिए हमेशा मियोसिस होता है। तो प्लांट्स में एग और ये पोलन ग्रेन्स होते हैं जो दोनों मिलते हैं। ओवरी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है फ्लावर में भी, ओवरी के अंदर वहां पे भी एग्स होते हैं, तो जो सीड बनता है फाइनली वो। फिर 20th क्वेश्चन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय डैश सेल डिवीजन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो सेल डिवीजन कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे गैमिट्स नहीं है, ये गैमिट फॉर्मेशन से नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमिट फॉर्मेशन से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही ऑर्गेनिज्म से होता है, उसके उसके ही टुकड़े होते हैं, जैसे अमीबा में होता है या प्लेनेरिया का एग्जाम्पल हमने देखा है रीजनरेशन में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिवीजन भी मियोसिस नहीं होगा, क्योंकि गैमिट्स बन ही नहीं रहे, तो माइटोटिक सेल डिवीजन होगा। फिर 21st क्वेश्चन है, दिस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन पैरामोशियम। तो पैरामोशियम का एग्जांपल है हमारी बुक में, ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो तीन टाइप के बाइनरी फिजन भी होते हैं, सिंपल, ट्रांसवर्स एंड लॉन्जिट्यूडनल। तो सिंपल बाइनरी फिजन इज इन अमीबा, ट्रांसवर्स इन पैरामोशियम एंड लॉन्जिट्यूडनल इन यूग्लेना। ये हमारे टेक्स्ट में डायग्राम भी दिए है, ये देखिए अमीबा, फिर ये पैरामोशियम का ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और यूग्लेना का लॉन्जिट्यूडनल। ट्रांसवर्स मतलब स्लीपिंग में, ये यूग्लेना लॉन्जिट्यूडनल है, स्टैंडिंग में से डिवाइड होता है। तो यहाँ हमारा आंसर पैरामोशियम के लिए आंसर आएगा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। फिर 22nd क्वेश्चन है, इन मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम डैश। तो माइटोसिस हमने देखा फॉर एडल्ट सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स, बट जर्म सेल्स जो है, गैमिट्स जो है, उनके लिए मियोसिस होता है। तो मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, क्योंकि स्पर्म में हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और एग में भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब स्पर्म और एग दोनों मिलते हैं तो एक सेल जो बनता है वो फर्स्ट सेल है जिससे पूरा बच्चा बनेगा। तो उसके अंदर फिर पैर बन जाते हैं ना, 23 पैर हो जाते हैं, टोटल 46 हो जाते हैं। और मियोसिस ये बने भी कहाँ से, मियोसिस के अंदर जो ये सेल्स बने हैं, एग सेल्स या स्पर्म सेल्स, वो बने हैं बॉडी के अंदर, एडल्ट मेल फीमेल की बॉडी के अंदर रिस्पेक्टिवली। तो ये कैसे बने हैं, बाय मियोसिस। तो उनके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है, तो ये याद रखना है। 23rd इज, जनरली एवरी मंथ डैश ओवम इज रिलीज इन द एब्डोमिनल कैविटी ऑल्टरनेटली फॉर ईच ओवरी। तो हमारे दो ओवरीज होती है फीमेल्स में, तो ओवम मतलब एग, तो एग इज रिलीज्ड है ना, तो ऑल्टरनेटली एक ओवरी एक बार एग रिलीज करेगी तो अगले महीने दूसरी ओवरी, तो ऐसे करके वन ओवम इज रिलीज। तो यहाँ पे आंसर आएगा वन, ये भी क्लियरली बुक में लिखा है, ऐसा नहीं है, देखो, एन ओवम इज रिलीज, एन ओवम मतलब वन ओवम इज रिलीज एवरी मंथ फ्रॉम द ओवरी है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा वन। फिर 24th क्वेश्चन है, डैश इज प्रेजेंट इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तभी फ्लावर्स में भी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मतलब एक ही सेक्स से उनका, या तो वो फ्लावर मेल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर है। यहाँ पे भी एग्जांपल्स हमारी बुक में दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे ये फ्लावर्स, तो यहाँ पे देखिए पपाया फ्लावर क्लियरली दिखाया गया है कि ये फीमेल फ्लावर है और ये मेल फ्लावर है। तो ये ओवरी है यहाँ पे फीमेल फ्लावर की, और ये फिलामेंट एंथर है, तो इनके अंदर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और इनके अंदर मतलब
गाइनोशियम होगा और यहाँ पे सिर्फ एंड्रोशियम होगा, गाइनोशियम नहीं होगा। तो अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है मतलब एक ही सेक्स है उसका, या तो मेल या तो फीमेल, तो उसके अंदर दोनों एक साथ नहीं प्रेजेंट होगा। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो बाई मतलब एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट होंगे, यूनि मतलब दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पे चार में से ऑप्शन क्या आएंगे, इधर एंड्रोशियम और गाइनोशियम, डी। तो यहाँ हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए, फर्स्ट 25th क्वेश्चन है, डैश इज अ केमिकल फैक्टर ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं उनमें केमिकल फैक्टर क्या है, मतलब केमिकल मतलब केमिकल से बना हुआ है, तो ये आंसर आएगा न्यूट्रिएंट्स। ये भी क्लियरली हमारे टेक्स्ट में है, चैप्टर फोर, ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट चैप्टर है। यहाँ पे ये जो चार्ट दिया गया है, ये देखिए इकोसिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स, और एबायोटिक में जो केमिकल फैक्टर्स है वहां न्यूट्रिएंट्स लिखा है, तो यहाँ पे आंसर आएगा न्यूट्रिएंट्स, और कुछ फिट भी नहीं होता, तो इट इज न्यूट्रिएंट्स। 26th है, डैश इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में ये हमने केमिकल फैक्टर देखा, अभी केमिकल में भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक होते हैं केमिकल्स। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या होता है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, कार्बन छोड़ के बाकी सब कंपोनेंट्स कंपाउंड्स है वो इनऑर्गेनिक होते हैं, मेनली कार्बन कंटेनिंग है, तो तीनों प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स कार्बन कंपाउंड्स है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ये देखिए, डैश इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक इज प्रोटीन्स, ठीक है। 27th क्वेश्चन है, डैश इज अ रेयर स्पीशीज, इवन 28th इज, डैश इज एन इंडिटर्मिनेट स्पीशीज। तो ये हमारी टेक्स्ट में है, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में हमने देखा है रेयर स्पीशीज एंड इंडिटर्मिनेट स्पीशीज, ये देखिए यहाँ पे दिया है, ये रहा क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज। तो चार टाइप्स है, तो एंडेंजर्ड में आता है लायन टेल मैकेकू या लायन टेल मंकी एंड लेसर फ्लोरिकन, रेयर में आता है रेड पांडा एंड मस्क डियर, वल्नरेबल में टाइगर एंड लायन, एंड इनडिटर्मिनेट स्पीशीज में है शेकरू, जायंट स्क्विरल। तो ये हमें याद रखना ये दो एनिमल्स के हर एक जगह पे नाम, और यहाँ पे और सिर्फ इनडिटर्मिनेट में एक ही नाम है, दैट इज जायंट स्क्विरल शेकरू। तो 28th का आंसर जायंट स्क्विरल है, और रेयर स्पीशीज कौन सा आएगा, रेयर स्पीशीज हमारा है टाइगर और लायन, जैसे हमने देखा दीज आर वल्नरेबल स्पीशीज, और ऊपर था हमारा ये देखिए एंडेंजर्ड स्पीशीज, तो लायन टेल मंकी एंड लेसर फ्लोरिकन यहाँ आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर है ये लेसर फ्लोरिकन नहीं है, जायंट स्क्विरल नहीं है, टाइगर इज ऑल्सो वल्नरेबल, तो आंसर इज मस्क डियर, रेयर के अंदर है मस्क डियर, रेड पांडा एंड मस्क डियर, तो ये हमें याद रखना है। तो ये हुआ, और लास्ट चैप्टर फोर से सवाल है, अकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज, मतलब एक ही स्पीशीज है लेकिन अलग अलग दिख रहे हो डाइवर्सिटी उनमें, तो इसको कैसी डाइवर्सिटी कहते हैं। तो एक्चुअली डाइवर्सिटी के भी टाइप्स थे हमने यहाँ पे देखा, ये देखिए, तो डायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी अकर्स एट थ्री डिफरेंट लेवल्स, जेनेटिक, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम। सो जेनेटिक डायवर्सिटी मतलब कि जीन्स अलग अलग है, ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के पर उनके जीन्स अलग अलग है, जैसे ह्यूमंस, हर एक ह्यूमन अलग है, जेनेटिक डायवर्सिटी। स्पीशीज डायवर्सिटी मतलब एक ही प्लांट की जाति, जैसे हम देखते हैं ना स्पीशीज डायवर्सिटी, अलग अलग स्पीशीज बन जाती है वो, तो वो स्पीशीज डायवर्सिटी कहते हैं। जैसे कि डॉग्स होते हैं, डॉग की अलग अलग ब्रीड्स होती है, वो अलग अलग स्पीशीज हो गए, टाइप्स हो गए, तो दैट इज कॉल्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी। और जेनेटिक डाइवर्सिटी जैसे हम देखते हैं, जैसे दो बच्चे भी है, सेम स्पीशीज है, जैसे हम होमो सेपियंस है, ह्यूमंस और होमो सेपियंस, वैसे डॉग की भी एक स्पीशीज है, पर उनमें भी जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स अलग अलग दिखते हैं, जैसे ह्यूमंस में भी सब अलग अलग दिखते, तो वो जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अ लेवल हायर, स्पीशीज लेवल, अलग ही जाति बन जाती है पूरी। और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जो है, दैट इज diversity in the ecosystem. So basically ecosystem can be natural or artificial. So that is the third level of diversity. So yahan hamara answer aayega, agar diversity aa rahi hai among the organisms same species ke, so it is genetic diversity. So ye fourth chapter hamara khatam hua, ab aayega fifth chapter. Fifth chapter se ab ye first sawal jo hai wo hai, in modern civilization dash has become a primary need. तो प्राइमरी नीड हमें हमेशा पता है, रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, ये प्राइमरी नीड्स है। लेकिन मॉडर्न सिविलाइजेशन में एनर्जी भी प्राइमरी नीड हो गई है। तो ये हमारा फिफ्थ चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर शुरू ही यहीं पे होता है ना। फिफ्थ चैप्टर का नाम है हमारा टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। तो टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी में यहाँ पे देखिए,
फर्स्ट यहाँ पे लिखा है, इन मॉडर्न सिविलाइजेशन एनर्जी हैज बिकम अ प्राइमरी नीड अलोंग विद फूड क्लॉथ एंड शेल्टर, तो यहाँ एनर्जी आएगा। 31st क्वेश्चन है, मोस्ट इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश, तो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने साइंस 1 में किया, ये देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विच वॉज इन्वेंटेड बाय माइकल फैराडे, और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, तो ये देखिए प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वॉज इन्वेंटेड बाय द साइंटिस्ट माइकल फैराडे, ये चैप्टर के स्टार्टिंग में ये लिखा है। 33rd क्वेश्चन है, इन द पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी डैश इज यूज्ड टू रोटेट द जनरेटर, तो कैसे जनरेटर रोटेट होते हैं न्यूक्लियर एनर्जी में, तो थर्मल एनर्जी बेस्ड ऑन वेरियस टाइप्स वी हैव सीन, तो ये देखिए थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हमें थर्मल पावर प्लांट है, हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट देखना है, तो पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, तो ये देखिए इन द पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी स्टीम टर्बाइन इज यूज्ड टू रोटेट द जनरेटर, तो यहीं पे हमारा ये सवाल जो यहाँ से आया है यहाँ आंसर आएगा स्टीम टर्बाइन, है ना, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है तो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है, हमारा डायग्राम भी दिया है देखिए स्कीमेटिक, तो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है पर ये टर्बाइन जो पानी है पानी को ही गर्म किया जाता है और टर्बाइन रोटेट होती है, तो टर्बाइन जो है स्टीम से रोटेट हो रही है, तो पानी को इतना हीट किया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी से, पानी इतना हीट होता है कि ये टर्बाइन रोटेट होती है स्टीम की वजह से, तो इसे स्टीम टर्बाइन, तो यह हमारा आंसर वही है। फिर 34th क्वेश्चन है, व्हेन अ न्यूट्रॉन इज बॉम्बार्डेड ऑन एन एटम ऑफ यूरेनियम डैश न्यूट्रॉन्स आर जनरेटेड इन दिस प्रोसेस, कितने न्यूट्रॉन्स जनरेट होते हैं, तो ये यहीं पे न्यूक्लियर एनर्जी में ही है, ये देखिए न्यूक्लियर एनर्जी है, जब न्यूट्रॉन है यूरेनियम 235 को न्यूट्रॉन से स्ट्राइक करते तो ये यूरेनियम 236 बन जाता है और फिर ये अनस्टेबल होता है, तो ये न्यूक्लियर फिजन होता है, दो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दो स्मॉलर एटम्स बनते हैं और तीन न्यूट्रॉन्स जनरेट होते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी है अगर आपको चाहिए तो, हाँ तो थ्री न्यूट्रॉन्स आर जनरेटेड इन दिस प्रोसेस, फिजन रिलीजिंग थ्री न्यूट्रॉन्स, आंसर यहाँ पे आएगा थ्री न्यूट्रॉन्स, तो ये थ्री न्यूट्रॉन्स जैसे हमारा स्कीमेटिक भी है डायग्राम भी जो यहाँ दिया है, तो ये हमारा जो चेन रिएक्शन होता है क्योंकि ये यूरेनियम 235 से बेरॉन क्रिप्टॉन तो बना लेकिन ये और तीन न्यूट्रॉन्स बने, तो ये तीन न्यूट्रॉन्स और यूरेनियम 235 को स्ट्राइक करेंगे और वापस ये चेन रिएक्शन इनको इनकी वजह से, और यूरेनियम 235 भी इतना सारा अवेलेबल है, एक न्यूट्रॉन से एक ही होएगा पर और न्यूट्रॉन जब जनरेट हो गए तो ये और स्प्रेड होते जाएगा, बढ़ते ही जाएगा ये चेन पूरा ऐसे, तो ये ऐसा फनल शेप स्प्रेड होगा, तो यहाँ पे इसे जो है क्वेश्चन जो पूछा गया इसमें यही है कि कितने न्यूट्रॉन्स जनरेट होते हैं, तो आंसर है 3। 35th क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर ड्राइव्स डैश टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो फ्लोइंग वाटर में जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी वजह से वो पानी जो है हाइट से या जो मूवमेंट से उसका जो एनर्जी है वो पड़ता है किस पे, टर्बाइंस पे, तो टर्बाइंस आर ड्रिवन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हमारा यहीं पे है, ये देखिए यहाँ पे इमेज भी दिया गया कैसे पानी हाई वेलोसिटी से टर्बाइन पे पड़ता है, तो टर्बाइन रोटेट होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो आंसर आएगा यहाँ पे टर्बाइन्स। 36th है, विंड टर्बाइन्स विद कैपेसिटी हाउ मच कैपेसिटी आर कमर्शियली अवेलेबल, तो ये भी हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा है विंड एनर्जी जहाँ पे थर्मल न्यूक्लियर है ना, इसके बाद यहाँ पे एनर्जी फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है और ये विंड टर्बाइन्स भी यहीं पे विंड एनर्जी, तो विंड एनर्जी के लिए जो है यहाँ पे देखिए लिखा है विंड टर्बाइन्स विद कैपेसिटी राइट फ्रॉम लेस देन 1 किलोवाट टू अबाउट 7 मेगावाट, तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 1 किलोवाट टू 7 मेगावाट कमर्शियली अवेलेबल, ना वही लिखा है कमर्शियली अवेलेबल। फिर नेक्स्ट है 37th क्वेश्चन, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स कन्वर्ट द सोलर रेडिएशन एनर्जी डायरेक्टली इनटू डैश, तो सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स जो होते हैं तो सोलर एनर्जी की वजह से जो जब सोलार एनर्जी होती है तब ये सोलार फोटोवोल्टेक सेल्स में ये स्टोर हो जाती है और ये फिर डायरेक्टली यूज किए जा सकती है किसके लिए, टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये यहीं पे लिखा है देखो फर्स्ट लाइन ये सोलार फोटोवोल्टेक सेल्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आंसर यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और 38th 39th क्वेश्चन ये सिंगल सोलार सेल के बारे में कि अगर 1 square centimeter का सिंगल सेल अगर हम लेंगे तो ये देखिए सिलिकॉन सोलर सेल ऑफ डायमेंशन 1 square centimeter
कितना इलेक्ट्रिसिटी, कितना करंट जनरेट होगा, 30 मिली एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 वोल्ट्स। तो ये सिंगल सोलार सेल, यहाँ पे वही सवाल है, सिंगल सोलार सिलिकॉन सोलार सेल ऑफ 1 square centimeter डायमेंशन, तो जनरेट करंट ऑफ अबाउट 30 मिली एम्पियर, यहीं पे लिखा है ना, 30 मिली एम्पियर, एंड इट जनरेट्स पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 वोल्ट्स। तो यहीं पे मेंशन है, वहीं से ये सवाल पूछा है। और लास्ट सवाल जो है फर्स्ट 5 चैप्टर्स के लिए यहाँ पे वो देखेंगे, इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स न्यूट्रॉन्स आर बॉम्बार्डेड ऑन एटम्स ऑफ डैश। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, यूरेनियम 236, बेरियम, क्रिप्टॉन और यूरेनियम 235। प्रीमियम नहीं आएगा, ये यूरेनियम है, हमने मराठी ट्रांसलेशन से भी चेक किया, तो ये यूरेनियम आता है, तो ये डी आंसर आएगा यहाँ पे, यूरेनियम 235 है। हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट का चेन रिएक्शन ऑलरेडी देखा, ये देखिए, ये तो ये जो है इस प्रोसेस में अगर हम देखेंगे तो यूरेनियम 235 है, U235 becomes U236 and it's unstable. But bombarding of neutrons happens to U235, not U236. तो ये आंसर आएगा यूरेनियम 235. तो ये हमारे फर्स्ट 40 क्वेश्चंस पे, बाकी के जो क्वेश्चंस है फॉर MCQs फॉर 6, 7, 8, 9, 10 रिमेनिंग 5 चैप्टर्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।